मोदी के नॉमिनेशन के समय अपनी आय का ब्यौरा भी दिया गया। न्यूज 18 के पास पीएम मोदी का एफिडेविट है। एफिडेविट के मुताबिक पीएम के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। यही नहीं, पीएम के पास कोई म्यूचुअल फंड भी नहीं है। पीएम ने कुल संपत्ति 3 करोड़ बताई है, जो पिछले 5 साल में 87 लाख बढ़ी है। वर्ल्ड लीडर, 5 सालों का राजनीतिक सामाजिक अनुभव और 22 सालों से लगातार चुनाव में जीत पर कुल संपत्ति का ब्यौरा दिया गया। बता दें आपको कि नॉमिनेशन आज भरा गया है, नामांकन दाखिल किया गया पीएम मोदी के द्वारा, और जो कुल संपत्ति है उसका ब्यौरा भी दिया गया है। 3 करोड़ रुपए कुल संपत्ति बताई गई है। न्यूज 18 के पास पीएम मोदी का एफिडेविट भी है। एक तरफ पीएम मोदी 7वें चरण में होने वाले वाराणसी चुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर रहे थे, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा कर दिया। अमित शाह ने कहा कि 380 सीटों पर अब तक चुनाव हो चुके हैं और 4 चरण में ही बीजेपी 270 सीटें जीत चुकी है। उन्होंने कहा कि अब हमारी नजर 400 पार पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 4 चरण में ही बहुमत हासिल कर चुके हैं। आपको अमित शाह का बयान सुनवाते हैं। 4 चरण पूरे हो गए हैं, 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 80 सीटों का चुनाव पूरा हो, 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं, और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है।